हाँ भाई सही से चेक कर लिया तूने, ओके की रिपोर्ट है। भाई जान बेहतरीन जानवर है, मैं तो कह रहा हूँ डन करो फौरन। यार माशाल्लाह वैसे बेहतरीन चीज है यार। चल सही है फिर, मैं डन करने जा रहा हूँ, सौदा करने, तुम लोग यहीं पे खड़े हो। अच्छा बात सुन, 12 से ज्यादा नहीं लगाइए। हाँ हाँ 12 से ज्यादा नहीं देता मैं। हाँ भाई छुट्टियाँ ले ली फिर तूने? हाँ जानी तुझे तो पता ही है यार, बकरीद पे 20 दिन की छुट्टियाँ तो लाजमी है। मंडी आना जाना, तफरियाँ करना, जानवर पूछना, मजा ही आ जाएगा सफा। अबे वैसे तुझसे बड़ा ढट्टी मैंने आज तक नहीं देखा। अबे बकरीद के लिए कौन छुट्टियां लेता है, वो भी रोज मंडी आने जाने के लिए? भाई शौक शौक की बात है, मुझे पसंद है ये चीज, माहौल ही अलग होता है यार। वैसे इस बार अपना जानवर ले रहा है या फिर हर बार की तरह दूसरों के सौदा कराने में खुश होगा? यार सेविंग्स तो है थोड़ी बहुत, लेकिन हालात भी तेरे सामने ही है यार, कितनी महंगाई हुई हुई है। कोशिश करूंगा कोई ले लूं छोटा मोटा। भाइयों 12 में डील डन हो गई है, मुबारक हो जानी। थैंक यू यार। यार फैसल तू जब तक गाड़ी करवा, मैं यहाँ से खुलवाता हूँ। ओए वो चेक कर कितना खूबसूरत जानवर है यार। भाईजान क्या मांग रहे हो इसके? बेटा तेरे औकात से बाहर है, तू जल्दी जा गाड़ी करवा। औकात की बात कहाँ से आ गई, रेट पूछने में क्या जा रहा है? 16 लाख का है, ले लेगा। बेटा तू खाली हमारे साथ घूमा कर और मशवरा दिया कर, जो तू पिछले 10 साल से कर रहा है। अबे भाइयों चिल करो, क्या हो गया एकदम? अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है ना, तो गुरूर नहीं करो, शुक्र अदा करो। जब मेरे पास होगा तो मैं भी ले लूंगा। हाँ जब तेरे पास पैसे आएंगे ना तब रेट भी पूछ लेना, अभी क्यों टाइम जाया कर रहा है, जाके गाड़ी करवा जल्दी। बेटा अब तो इसी साल लूंगा और यही वाला जानवर लूंगा, तू निकल बेटा अब यहाँ से और खुद गाड़ी करवा। हम सिंध में रहने वाले सिंधी हैं, मेहमान नवाज हैं सारे अपनी। भाई वो वाला जानवर कल देख के गया था मैं, उसके 16 मांग रहे हो ना आप? हाँ कुछ कमी बेशी हो जाएगी, देखो यार कल भी तुमसे लेके गए थे। साईं ये मैं 18 का दे रहा था, तुम्हारे दोस्त को 16 का लगाया था, लेकिन उसके बारे में ही नहीं आ रहा था। कर लो कुछ, मैंने यही वाला जानवर लेना है। तो बात सुनो 15.5 दे देना तेरा है। यार मेरे पास तो सिर्फ 13 लाख रुपए हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम ये 10,000 रुपये अभी रखो, ये टोकन है, ठीक है? डील डन हो गई है, बाकी पैसे मैं कल लेके आता हूँ। अल्लाह मालिक है, देखते हैं। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अरे ये टीवी कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना मुझे कुर्बानी का कितना शौक है, तो इस दफा लाजमी करनी है। बस उसी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये टीवी बाइक और 2-3 चीजें बेच के पैसे पूरे कर रहा हूँ। कितने का है जो सब कुछ बेच रहे हैं? यार बात पैसों की नहीं है, जानवर बहुत प्यारा है, वही लेना है लाजमी। चले ठीक है, आपको शुरू से इतना शौक है, ले ले। हाँ सही है, पूछ थोड़ी रहा था, बता रहा था। वैसे भी फजूल ड्रामे देखती रहती हूँ, तेरे बिन, सास बहू, ये वो, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है यार इसमें। अख्तर गोबर निकाल इधर से, पूरा उठा, बदबू मारेगा। हाँ भाई जानवर खोल दो, 15.5 पूरे लेकर आ गया हूँ। अरे साईं मंडी ऊपर चली गई है, अब 18 से कम नहीं मिलना जानवर। क्या मतलब है 18 का हो गया, मंडी ऐसे कैसे ऊपर चली गई? अरे साईं मार्केट के साथ चलना पड़ता है ना, वरना मेरे को नुकसान हो जाएगा। अभी हमारा इधर का किराया भी बढ़ गया है, फिर दाना पानी भी बढ़ गया है, और तो कुछ लोगों को पैसे भी खिलाने पड़ते हैं। अब टेंशन नहीं लो, मैं आपको कम रेट में दूसरा जानवर दिखा देता हूँ। नहीं 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 भाई मुझे यही वाला जानवर चाहिए। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपए रखो, मैं कल बाकी पैसे लेके आता हूँ, कल तक के लिए होल्ड करना इसको, सही है? जी ले आए आप? नहीं यार मंडी एकदम से ऊपर चली गई, उसने 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिए, इसीलिए मैं अब गाड़ी बेचने लगा हूँ। अरे आप गाड़ी बेच देंगे तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे? यार और लोग भी तो करते हैं ना ट्रैवल, रिक्शा में, टैक्सी में, हम भी कर लेंगे। और वैसे भी ईद खत्म होते ही मैंने गाड़ी के लिए पैसे जमा करने हैं, और इस बार इससे भी अच्छी गाड़ी लेंगे। अभी कुछ भी करके ना, बस मैंने कुर्बानी करनी है। चलें ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, बस परेशान ना हो। साईं अब 20 का हो गया है, ये अच्छी नस्ल का जानवर है, ये तो ऊपर ही जाता रहेगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कोई और दिखा देता हूँ। ये 10 और रखो, अरे कल बाकी पैसे लेके आता हूँ। तुम्हारा गोल्ड का सेट चाहिए मुझे, कुछ पैसे कम पड़ रहे। अरे
क्या पागल हो गए आप? दिमाग खराब हो गया आपका? पहले टीवी, वॉशिंग मशीन, गाड़ी सब कुछ तो बेच दिया आपने, अब आपको मेरा सोने का सेट भी चाहिए? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके लिए आप सब कुछ बेच रहे हैं? कुर्बानी करनी ही है तो किसी छोटे की कर लें। यार कह दिया ना, बस मैंने उसी की कुर्बानी करनी है, वही गाय चाहिए मुझे। मैं नहीं ले जाने दूंगी। हट जाओ, छोड़ो मुझे, मैं लेके जाऊंगा। हाँ भाई, अब तो खोल दो जानवर। अब तुम कहोगे 20 की जगह 21 हो गए, इसीलिए 21 लेकर आया हूँ। साईं, अब 21 भी अपने पास से रखो, क्योंकि 25 का हो गया है। अबे क्या पागल हो गए, क्या बना रहा है यार कब से? ओए इंसान दा बंदा बन, हाथ वात नहीं लगाना मुझे। अब तेरे को बेचनी नहीं है मुझे, ये पकड़ अपना टोकन और हल यहाँ से, दफा दफा। नहीं भाई, ये टोकन अपना वापस रखो। अब जाहिर है यार, तुम 5 लाख रुपए एकदम से बढ़ाओगे तो गुस्सा तो आएगा ना यार। वैसे अब क्या मसला हो गया है? अरे बीमारी आ गई है साईं, आपने भी सुना होगा, काफी जानवरों को तो लग भी गई है। अब जो तंदुरुस्त हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए रेट भी ऊपर चढ़ गए हैं। मैं क्या करूं इसमें? भाई परसों ईद है, अब लाजमी मैंने कल जानवर खरीदना ही खरीदना है। तुम एक काम करो, ये 20-25 हजार रुपए और टोकन रखो और रोक लेना इसको, और 25 से ऊपर नहीं करना अब। चलो दी जबान, अब 25 से ऊपर का नहीं दूंगा, भले मेरा नुकसान होता है तो हो गए। ठीक है, ओके। सुनो यार, वो कल गुस्से में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसके लिए सॉरी। बस एक बार ये ईद गुजर जाए, उसके बाद मैं सब पहले की तरह ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें आज ये बताना था कि घर के पेपर्स रखवा के मैंने एक लोन लिया है, अब पैसे पूरे जो मर्जी करें, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे नफसियाती शख्स के साथ। ये ले भाई, टोकन ओकन मिला के तेरे 25 लाख, जानवर खोल। साईं ये पैसे रखो और अपना टोकन भी वापस रखो। क्यों भाई, अब क्या हो गया? साईं वो आपको बताया था ना, बीमारी का जानवरों में पहली भी है, वो लग गई और आज सुबह जानवर मर गया। मर गया? अबे तू क्या पागल वागल हो गया, ऐसे कैसे मर गया? मुझे वही जानवर चाहिए, जा ला कर दे। अरे साईं कहाँ से लाऊं, मर गया बताया तो है। ओए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, मुझे वही जानवर चाहिए, कहीं से भी लाके दे, वरना तू मुझे जानता नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। साईं बोला था ना हाथ नहीं लगाना, मैं तुम्हें जानवर देता हूँ ना, तुम्हें कुर्बानी ही करनी है ना। तुम अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हो या अपने लिए? अपने लिए कर रहा हूँ मैं कुर्बानी, अपने दोस्त को दिखा के उसका मुंह बंद करने के लिए। तुम अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हो या अपने लिए? अपने दोस्त को दिखा के उसका मुंह बंद करने के लिए। जो मर्जी करें, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे नफसियाती शख्स के साथ। कुर्बानी करनी है तो किसी छोटे की कर ले।